वेलकम वेलकम स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आपका स्वागत है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्लास नाइन्थ का आज इस खंड में बेसिकली बात करेंगे जीनोम्स का एंड्रियस फैमिली। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था डिवीजन के विषय में, जिसमें प्राइवेट फाइटा टेलो फाइटा थर्मल फाइटा इत्यादि के विषय में बात की थी। आज हम लोग फाइबोजेनस के तहत फाइबोजेनस डिवीजन के तहत जीनियस प्रॉब्लम एंड्रियस प्रॉब्लम के विषय में बात करेंगे। तो ऐसा वर्ग और कुछ पौधों का जिससे पूर्व में हवा प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम विथ डेवलप ब्रांचियल स्टेम डेट कंसिडर इन देम। सबसे पहली बात की जीनोम्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें पहले स्टूडेंट जो लोग समझते हैं जीनोम्स पर का लिटरली मीनिंग है, जीनोम्स का मतलब होता है नेम, जीनोम का मतलब होता है नेम, ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न अवस्था में हो उसको हम लोग जिसकी पूरी स्टेम और इसका जो स्टेम होता है कुटी होता है लकड़ी होता है लकड़ी के ज्यादा दे आर जेरो फाइटिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होते हैं, जैसे रेत हो गया रेगिस्तान हो गया, वहाँ पर क्या होता है कि पानी की उपलब्धता कम होती है, इसीलिए हम लोग इसको चेरो फाइटिक प्लांट्स। और साथ ही हम ये भी जानते हैं चेरो फाइटिक प्लांट होने के चलते इसका का जो इसकी जो स्थिति है वो तो बेसिकली डेजर्ट एरिया में ही होती है। वाटर डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स, बॉडी जो है तीन भागों में विभक्त होता है रूट स्टेम एंड लीव्स में। उसके बाद से प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट ये बायोलॉजिकल एंड एटमोस्फेरिकल मॉर्फोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू बॉडी जो होता है उनका उसी हिसाब से एडजस्ट होता है, चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, तो वो एरिया में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल फॉर अब आता है इंग्लिश फॉर्म, इंग्लिश फॉर्म का मतलब क्यों होता है कवर इंग्लिश फॉर्म सी, अर्थात जिस बीच के ऊपर में कवर लगे होते हैं उसको इंग्लिश फॉर्म पर कहा जाते हैं। प्लांट्स के लिए प्लांट्स इसका हर सर इंग्लिश और दिन मिलती किसी यह तो है सदाबहार बन सदाबहार बन हमेशा बहुत दिन हमेशा एनुअल हो चाहे वार्षिक हो चाहे आयुर्वेद हो चाहे ट्रेनिंग वाले बहुत से देने वाले हैं। इस प्रकार के पौधे इसको देखते हैं हम लोग ऐसे सब्जी नंबर ऑफ प्रॉब्लम इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, पहला भाग को हम मोनोकॉट और दूसरे भाग को डाइकॉट, इसको मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन के नाम से भी जानते हैं। मोनोकॉटिलेडन सीड्स हैविंग ओनली वन एक बीजपत्री, एक बीजपत्री मोनोकॉटिलेडन, द्विबीजपत्री डाइकॉटिलेडन, डाई में रहते पत्र बीज पत्री, तो एक बीज पत्री ये एक ही है
अरेंजमेंट होता है, जो वेव का अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है, अर्थात समानांतर। तो इसमें दिया है नॉलेज साथ ही हाइग्रोस्कोप सिस्टम में पाया जाता है। जैसे केले के पौधे में लोग देख सकते हैं हाइग्रोस्कोप सिस्टम है। साथ ही में गेहूँ के पौधे में देखते हैं हम वेस्कुलर कंडक्शन अप्रोच एंड एस्टेटेड वेस्कुलर बंडल उसका क्लोज होता है और दिखा पड़ा होता है अंदर ग्राउंड सरफेस पर। इसका एग्जाम्पल वी ड्राइज विद न्यू। दूसरा है डाइकोटिलेडन द्विबीजपत्री। तो विच हैव अ टू फर्टिलिटर टेन दैट इज कंसिडर्ड इन दैट इज दिस्ट रेटिकुलेट जाली के रूप में। इसका जो वेन होता है जाली के समान होता है, इसको रेटिकुलेशन करते हैं और इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसमें डाइकोटिलेडन में टैप रूट सिस्टम होता है और इसको फाइब्रेट रूट सिस्टम होता है। दूसरी बात कि छोटे छोटे ब्रांच भी होते हैं वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन। इसके वेस्कुलर बंडल्स चले और इसके क्लोज होते हैं। मैंने बता चुके हैं मोनोकोटिलेडन में वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं और इसमें क्या होते हैं ओपन होते हैं। साथ ही में फ्लावर्स आर पेंटागनस, पांच पेटल्स होंगे और इस तरह से उनका जो सिस्टम है फ्लावर का वो पांच पेटल से बना हुआ है। इसमें पी एप्पल सल्फर के पेटल है। तो आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के विषय में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है।